हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में महानगर बंद का रहा मिला जुला असर, प्रशासन रहा मुस्तैद। कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत बंद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के मंत्री ने कहा, पेट्रोल डीजल के दामों को कांग्रेस ने ही बढ़ाया था। उन्होंने कहा, खिसियानी बिल्ली जैसा है कांग्रेस का हाल। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा टेराकोटा शिल्पी बुनकर सम्मेलन एवं टेराकोटा डिजाइन कार्यशाला का हुआ समापन। मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा, शिल्पी कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार है कटिबद्ध, छोटे उद्यमियों की समस्याएं होंगी दूर। भारत बंदी के आंदोलन में आपस में भिड़े दो कांग्रेसी, बीच सड़क पर की मारपीट। डीजल पेट्रोल और रसोई गैस सहित कमर तोड़ महंगाई के विरोध में सपाइयों ने तहसील भवन परिसर में दिया धरना। कहा, वादे पर खरी नहीं उतरी मोदी सरकार। एक जिला एक उत्पाद के तहत लगाए गए प्रदर्शनी का लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्योग मंत्री ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे रोजगार के संसाधन। दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज में आयोजित 7 दिवसीय विशेष व्याख्यान के 5वें दिन वक्ताओं ने योग एवं भारतीय जीवन पद्धति विषय पर डाला प्रकाश। भारत बंदी के समर्थन में सड़क पर उतरे कई छोटी पार्टियां, केंद्र सरकार की नीतियों का जताया विरोध। नगर आयुक्त से मुलाकात के बाद त्योहारों को देखते हुए नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम लिया वापस। नगर निगम प्रशासन के लिए सिरदर्द बन रहा कूड़े का निस्तारण, बंदे के किनारे कूड़ा गिराने पर स्थानीय लोगों ने रोका, ड्राइवरों ने खड़ी की पुल पर गाड़ी। और पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बेतहाशा वृद्धि का वामपंथी दलों ने किया विरोध, निकाली रैली।